राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 7 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी ने 11 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ी दावेदारी पेश कर दी है, जिसे बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पहले भी वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाया गया था और अब वसुंधरा के आवास पर विधायक एकजुट हो गए हैं। वसुंधरा समर्थक विधायकों का ये दावा है कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, इसीलिए यहाँ किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सीएम बनाया जाना चाहिए और पार्टी में वसुंधरा ही ऐसी नेता हैं जो सभी को साथ में लेकर चल सकती हैं। 2 बार सीएम भी रह चुकी हैं। बीजेपी हाईकमान की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है कि पार्टी के जो 115 विधायक हैं, उनमें से 40 विधायक वसुंधरा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जबकि दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर विधायकों पर सीएम चुनने का फैसला छोड़ दिया जाए तो 70 से ज्यादा विधायक वसुंधरा के पक्ष में वोट देंगे और बीजेपी हाईकमान इसी के चलते फैसला नहीं कर पा रहा है और विधायक दल की बैठक को लगातार टाला जा रहा है। पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी, लेकिन अब ये बैठक 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है और अब वसुंधरा के तेवरों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बैठक 11 दिसंबर को हो जाए ये भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से बातचीत की है, लेकिन मामला सुलझने की जगह उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद खबरें तो यहाँ तक चल रही है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनी तो बीजेपी में बड़ी बगावत भी हो सकती है।